Assalamualaikum everyone, this is Sabahat Ahmed Khan. Welcome to my channel. Welcome to another video. और आज की वीडियो में हम YBR पे काम करवाने जा रहे हैं after a very long time, क्योंकि इस पर बहुत सारे काम हो गए थे और कोई काम रह नहीं गया था. So finally I have decided कि मैं इसकी performance पे थोड़ा सा काम करूँगा, क्योंकि बिल्कुल भागता नहीं है बाइक, ठीक है, टॉप स्पीड नहीं है, पुश नहीं लेता. उसकी मेन रीज़न इसका क्लच है जो कि बिल्कुल एंड आया हुआ है, क्लच प्लेट्स फारिग हुई हुई हैं. तो अभी जो उसकी एडजस्टमेंट है ना, वो बिल्कुल फुल पे करनी पड़ती है, तब जाके वो चलता है, वरना बिल्कुल डेड हुआ हुआ है बाइक. तो ये चेक करवाना है, क्लच का काम है, उसके बाद स्प्रॉकेट चेंज करवाएंगे और एक दो और सेटिंग्स हैं जो करवानी है, फिर इसकी टॉप स्पीड देखेंगे. और अभी मैं जाते हुए इसकी टॉप स्पीड चेक करूँगा, GPS पे भी मेरे पास ऐप है स्पीड बॉट, उस पर और जो मीटर है उस पर भी चेक करेंगे टॉप स्पीड. तो फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है जब हम वहाँ से वापस आते हैं. सो अभी सीधे चलते हैं MKBR शॉर्ट हाउस और उनसे काम करवाते हैं इसका. ये रहा जी हमारा Venom और माशाल्लाह से ऑलवेज गिविंग द किलर लुक्स. मैंने GoPro लगा लिया हेलमेट पे और बस अभी जो है ना स्पीड भी चेक करते हैं और सीधा पहुंचते हैं MKBR शॉर्ट हाउस पे. सो लेट्स गो. माशाल्लाह माशाल्लाह. ओके जी, तो मोबाइल मैंने सेट कर दिया है, मैं देखता हूँ स्पीड बॉट ऐप अलाउ करते हैं. ये जी OBD GPS स्पीडोमीटर है, ठीक है. सो एक्यूरेट बताता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो अभी हम सीधी रोड पे जाते हैं और फिर देखते हैं ये कितना एक्यूरेट बता रहा है और हमारी स्पीड क्या है और ये क्या बता रहा है. स्पीडोमीटर देखें और आई होप नज़र आ रहा हो यार वीडियो में, ना नज़र आ रहा हुआ तो फ़ायदा नहीं है. 40 के पास हूँ, हाँ ठीक बता रहा है, मीटर के हिसाब से बिल्कुल ठीक बता रहा है. अभी बाइक का मसला ये है कि ये ना उठता उस तरह नहीं है जिस तरह मैं चाह रहा हूँ. मैंने नया YBR भी चलाया, मुझे बड़ा मेजर डिफरेंस फील हुआ कि यार वो बाइक तो ऐसे निकल रहा है यूं करके और मेरा बाइक तो सो जाता है. सो वो खैर क्लच का बहुत अरसे से काम है, मैंने नहीं करवाया, मैंने उसको चला ही रखा है. अच्छा, मीटर जो है ना ये फ़ौरन पहुंच जाता है 100 पे ना, लेकिन GPS जो आराम आराम से जा रहा था तो 102 रिकॉर्ड किए इसने. और हाईवे पे जाते हैं, वहाँ पे एक सेकंड पैच आता है, उस पे ट्राई करेंगे. हाईवे पे इस टाइम रश होता नहीं है, बट आज काफ़ी रश लग रहा है, मुझे स्पेस नहीं मिल रही. तो अभी तक 104 तक खींचा है इसको. यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल जाते हुए ना इसको मौत आ रही होती है, आगे जा ही नहीं रहा होता, इतना मैंने पुश किया हुआ इसको. जी YBR का काम स्टार्ट होने लगा है, इसका क्लच प्लेट्स का काम है और स्प्रॉकेट चेंज करेंगे और कुछ सेटिंग है जो चेंज होगी. उसके बाद हमने टॉप स्पीड देखनी है जो कि अभी 104 तक टच कर रहा है.
सो वी विल सी द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस आता है, फिर आपको दिखाते हैं। पहले जो है ऑयल ड्रेन किया है पुराना, तो वो थोड़ा सा अभी गंदा है, तो ज़ाहिर क्लच प्लेट्स का काम नया होगा, फिर पुराना ऑयल डालना जो है वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना ख़राब करेगा, तो स्लज की वजह से ना वो थोड़ा इशू है उसका। बाकी फिर मैं देख लूँगी यहाँ मैं लूप डलवा लेता हूँ ताकि खर्चा भी कम हो, क्योंकि ज़्यादा फिर बजट से आउट हो जाएगा। अभी मैंने चेंज करवाया था जिक का ऑयल डलवाया था, तो उससे अच्छा यहाँ मैं लूप डलवा लेते हैं 1000 का, फिर चेंज करवा लेंगे ताकि ऑयल नया दोबारा से जल्दी से चेंज हो जाए, क्योंकि ऑयल का ये है कि आप जितना चेंज करवा दें उतना अच्छा ही होता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा जी, नई प्लेटें डल चुकी हैं और ये जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, काली हो चुकी हैं, एंड हो चुका है, तो ये चेंज हो गई हैं, तो स्प्रॉकेट वाला काम भी हो गया है और देखते हैं क्या क्या रह गया, फिर देखते हैं बाइक की क्या डिफरेंस आता है। ओके जी, हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, क्लच प्लेट्स का काम हो गया है, कार्बोरेटर की सेटिंग हो रही है मेरा ख्याल है, और स्प्रॉकेट वाला काम भी हो गया है, तो बस अब निकलते हैं, बाइक को टेस्ट करूँगा। फिर शुरू में थोड़ा आराम से चलाऊँगा इसको, रगड़ना थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट करूँगा, अगर बस ऑयल चेंज रहता है मेरा ख्याल, और ऑयल चेंज हो गया तो फिर इंशाल्लाह वी आर रेडी टू गो। यहाँ पे जी एयरप्लेन खड़े जहाज खड़े हैं, CBR 400। तकरीबन 125 से थोड़ी कम, सही है। इसको होनी ज़्यादा चाहिए, कम से कम 150 होनी चाहिए कम।
damn, it's gonna be a long night. Yeah.